ये गोंड ट्राइबल पेंटिंग है सर। क्या खासियत होती है इसमें? अपने हम लोग आदिवासी परंपरा को लेके, अपने देवी देवताओं को लेके और अपने किस्से कहानी को लेके हम लोग ये काम करते हैं। सोहराई पेंटिंग हम लोग मिट्टी के दीवार में मिट्टी लेस के, गोबर दे के, काला माटी से और दूधी माटी मिला के और गीला गीला में कंघी से, बाल झाड़ने वाला कंघी से काट के और हम लोग खोरच के सोहराई पेंटिंग बनाते हैं, कोहबर बनाते हैं दोनों। सोहराई के समय ने और शादी के समय ने कोहबर और सोहराई के समय ने सोहराई। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, गेरुआ मिट्टी और दूधी मिट्टी, चारे रंग सोहराई के लिए हम लोग इतने ही यूज करते हैं। पहले वो सिर्फ अपने गांव के घरों के दीवारों पे करती थी, अब हम लोगों के थोड़े से प्रयास के कारण अभी इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इनको आमंत्रित किया जाता है, कलाकार के रूप में इनको सम्मानित किया जाता है, तो गर्व ही महसूस करती हैं। ये डंडा कट्टा ये शादी ब्याह वाला में किया जाता है डंडा। क्या खासियत है इसकी? एक खासियत है, कोई कोई देखिए बाल बुतरू कहीं कहीं नौकरी चाकरी कहीं जाते हैं तो एक खासियत में ये डंडा कट्टा कीजिएगा तो कोई कोई चीज़ ये ग्रह जो न कहा जाता है उसको कटता है, कोई चीज़ क्या है। त्यौहार होता है सोहराई, उसमें लोग जब अपने घर में धान वगैरह घुसाते हैं तो उसके पहले साफ सफाई करते हैं, तो फिर ये सब चित्र वे लोग चित्रांकन करते हैं दीवार पर। ये पेंटिंग पहाड़ी लघु चित्रकला है, इसमें जो हमारी 12 मासा यानी 12 महीने उनमें से एक महीने को दर्शाया गया है जो कि अगस्त का महीना होता है, वर्षा ऋतु, इसमें वर्षा ऋतु के आगमन को दिखाया गया है। और जो ये पेंटिंग है ये मेनली कुल्लू स्टाइल को दिखा रही है, जैसे जो हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की जो वेशभूषा है ये जो मेल ने पहनी है इसे कुलवी टोपी कहते हैं और धाटू है तो और जैसे आप देख रहे हैं सेब के बागान वहाँ होते हैं तो यहाँ एक सेब का बगीचा और उसमें सेब का पेड़ भी दिखाया गया है। पेंटिंग है वैष्णव मिनिएचर पेंटिंग। वैष्णव जो शैली होते हैं असम में विष्णु के 10 अवतार के, ज़्यादातर कृष्ण और राम भगवान को लेके ये सब पेंटिंग किया जाता है। इसको अगर पेड़ के छाल के ऊपर में प्रोसेस करके किया जाता है और उसमें हैंगुल रंग, लाल रंग, हाइटल येलो रंग, खड़ी माटी वाइट कलर के लिए ऐसे कलर यूज़ किया जाता है और खनिज है वो सब, खनिज के द्वारा ये पेंटिंग्स किया जाता है। 7th century में ह्यूएंग संग आए थे असम, जो उस टाइम पे नाम था कामरूप, कामरूप में उस टाइम पे आके उन्होंने चित्रकला देखा, वालों में चित्रकला देखा तो उन्होंने चाइनीज ग्रंथ में उसका ऊपर व्याख्या किया है। दिस आर्ट फॉर्म इज ट्रेडिशनल म्यूरल आर्ट। आई ड्रॉ ही दिस विष्णु मूर्ति, इट्स अ फोक आर्ट ऑफ केरला विच प्लेज इन टेम्पल्स। Naturally, in walls we are using natural colors for this work, but now on the canvas we are using fabric paints, acrylic paints. ये हमारे पीढ़ी से पीढ़ी परंपरागत हमारे जे अने बाबा पिठोरा तरीके में अने एक ओळखवामां आवे छे अने हमें अने भगवान तरीके में मान्य से पांडु करीने एक माटी आवे छे ए लगाड़वामां आवे छे पछी जे कलर से अमारे ये ખાકાના પાંદડાના મેં પડ્યા બનાવીએ છીએ, કેસુડાના પછી પાનાવેના ને જે વાંસ છે એની અમે બ્રશ બનાવીએ છીએ અને જે કલર છે એ પાવડર કલર આવે છે એ કલર ની અંદર અમે ગાયનું દૂધ અને મવડાનું દારૂ નાખીને અમે કલર બનાવીએ છીએ। એ વારલી પેઇન્ટિંગ હૈ, એ મહારાષ્ટ્રમાં ઠાણા જિલ્લામાં એક વારલી ટ્રાઇબ રહેતી હૈ, વો ટ્રાઇબ કા યે સ્પેશિયલ પેઇન્ટિંગ હૈ। એ બહોત પુરાની પેઇન્ટિંગ હૈ, જબ સે કિ प्रिमिटिव ह्यूमन बींग दुनिया में आया था तो ये वारली का बहुत पुराना ट्रेडिशन है पेंटिंग बनाना। जैसे कि धरती और मानव का निर्माण होने के बाद ये सब शुरू है, तब से ये परंपरा जारी है। इसी की परंपरा आगे आने वाली पीढ़ी को रखने के लिए हम लोग ये पुनः पुनः से वो पेंटिंग कर रहे हैं।